तो सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि शिव जी तो ये पीते हैं वो पीते हैं ऐसे करते हैं स्मोक करते हैं भगवान शिव विष भी पीते हैं आप विष पी लोगे पंचमुखी हनुमान देखिए पंचमुखी हनुमान जो है वो एक बहुत ही पावरफुल स्वरूप है भगवान का हम ज्ञान की जरूरत है जो शिव दर्शाते शक्ति की जरूरत है जो वायु दर्शाते हैं भक्ति की जरूरत है जो अंजनी माँ दर्शाती है और लॉयल्टी की जरूरत है जो केसरी दर्शाती है तुलसीदास जी को पता चल जाता है कि भगवान श्री राम सामने तब भगवान श्री राम उनके हाथ में जो चंदन है लेके तुलसीदास जी का स्वयं तिलक करते हैं। चित्रकूट हाँ की घाट पर भीड़ तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघु और हनुमान जी भी मैनिफेस्टेशन के एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है बल बुद्धि विद्या विकार ओम जी मेरे लाइफ में आ, एक टर्निंग पॉइंट आया था और वो टर्निंग पॉइंट ऐसा था कि मैं हमेशा से पढ़ने में अच्छा रहा हूँ तो मैं विद्या मंदिर के स्कूल में पढ़ता था तो मैं एट्थ क्लास तक आ, कभी थर्ड रैंक आती थी कभी फोर्थ रैंक आती थी बड़ी मेहनत करता था फिर मैंने एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम दिया और मेरी फिर से थर्ड रैंक आ गई पर इच्छा मन में थी कि फर्स्ट आना है क्लास में एट्थ क्लास की बात है तो फिर से रिजल्ट आया फिर से वही हाल उस एग्ज़ाम में तो बड़ा दुखी हो गया मन यार जितनी मेहनत कर लो आ, कुछ होता नहीं है तो मैंने आ, मेरे दादाजी हनुमान जी को बहुत मानते थे तो मैंने हनुमान जी का बा, बाबू से अपने बाबू बोलता हूँ मैंने बाबू से कहा कि ऐसा ऐसा है कि पढ़ने का क्या फ़ायदा जब मैं नहीं आ पा रहा तो उन्होंने कहा कि कभी दिल से एक अगरबत्ती भी जलाई भगवान को कभी एक बार उनके सामने सर भी झुकाया उस समय तक मैं पूजा नहीं करता था तो मैंने कहा हाँ यार अगर मैं उस डिवाइन ग्रेस से या ईश्वर से कुछ एक रखता हूँ कि मेरे लिए इतना छोटा सा फेवर कर दो तो मेरा भी बनता है कि मैं उनकी आराधना करूँ पूजा करूँ वो दिन था और आज का दिन है मैंने हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ी है अच्छा और मुझे कंठस्थ है हनुमान चालीसा और मेरा ये रूटीन बन गया था स्कूल टाइम में कि मैं स्कूल जाऊँगा हनुमान चालीसा पढ़ा और तब से ही मैंने पहली बार तिलक लगाना शुरू किया था नारंगी रंग का और वो दिन है आज का दिन है मेरे पूरी स्कूल लाइफ में कभी सेकेंड नहीं आया हमेशा फर्स्ट आया और एक दिन भी एबसेंट नहीं हुआ उसके बाद में क्लास में तो हनुमान जी का ये ग्रेस मेरे बचपन में आया इसीलिए और उसके बाद बाद में जब पढ़ी चीज़ें लोगों से बातें करी तब पता चला क्यों उन्हें कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहूँ वही हर हूँ कलेश विकार तो बल भी दिया बुद्धि भी दी और विद्या भी दी तो हनुमान जी से आज का हमारा ये पॉडकास्ट ये थीम हमारा होने वाला है आपकी लाइफ में हनुमान जी का क्या एक्सपीरियंस है <laughs> सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे फिर से वापस बुलाया <laughs> आपके पॉडकास्ट पे आ, हनुमान जी एक एक्सपीरियंस ही नहीं लेकिन एक रियलिटी है सिर्फ मेरी नहीं लेकिन हम सबकी जिंदगी में हनुमान जी ने जैसे आपके जिंदगी में अपना प्लान सिद्ध किया <laughs> उसी तरीके से मेरी जिंदगी में भी अपना प्लान सिद्ध कर दिया जैसे कि मेरी आध्यात्मिक जर्नी लंदन में शुरू हुई थी इन अबाउट सत्रह साल पहले सत्रह अठारह साल पहले तब मेरी जो टीचर थी आचार्य थी आ, उनकी मैं बहुत सेवा करता था और बहुत कम समय में यानी एक दो साल में बहुत ही गहरा रहस्य आध्यात्मिक क्लैरिटी सारे जो भी शास्त्र है उनकी विद्या उनसे प्राप्त हुई और फिर ऐसे ही दो ढाई साल कट गए और मैंने अपना करियर वहाँ पे शुरू किया जो यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में मैं आध्यात्मिक पात पे जुड़ गया था और ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपना करियर शुरू कर दिया उस समय मैं यूनिवर्सिटी आउटरीच की सेवा करता था और एक यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमें हनुमान चालीसा सीखना है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई सीखा तो मैं आचार्य के पास गया देखिए हनुमान चालीसा का रिक्वेस्ट है आप कब फ्री हो तो उन्होंने कहा मैं तो फ्री नहीं हूँ किसी और को पूछ लो मेरे और क्लासेस हैं तो मैं गया जो भी सीनियर थे सेवक उन सब से पूछा वो कह नहीं नहीं मेरा इस दिन पे तो ये है उस दिन पे वो है मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं नहीं कर सकता तो मैं गया वापस आचार्य को और मैंने कहा कि देखिए मैं तो नहीं मतलब मुझे कोई मिला नहीं अब क्या करूँ मैं ना कह दूँ उनसे तो उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो मैंने कहा ये तो कर रहा हूँ मैं जाकर लोगों से पूछ रहा हूँ लेकिन उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो तुम किस को सिखा रहे हो तो मैंने कहा मैं किसी को नहीं सिखा रहा क्योंकि मैं योग्य ही नहीं हूँ सिखाने तो उन्होंने एक बात कही उन्होंने कहा तुम योग्य हो या नहीं हो इसकी इसका डिसीजन मैं लूंगी और उन्होंने कहा तुम जाओ और सिखाओ और वो जो हम सिखा रहे थे वो हनुमान चालीसा था तो हनुमान जी की एंट्री तो जीवन में बचपन में ही हो गई थी लेकिन उस हनुमान चालीसा के टीचिंग से क्लास से मेरी जो टीचिंग की जर्नी शुरू हुई वो आज कुछ सत्रह अठारह साल बाद सिद्ध हो रही है तो हनुमान जी जब मैं स्क्रिप्ट करने बैठता हूँ मेरे साथ है जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वो मेरे साथ है लेकिन उसके बीच इतने सालों में जब मैं कभी भी उनको भूल गया तब भी मेरे साथ थे हनुमान जी को कहा जाता है कि ये चिरंजीवी हैं और ये आज भी जीवित हैं और आज भी जहाँ जहाँ कथा होती वहाँ हनुमान ज़रूर मिलेंगे आपको और कई सारी स्टोरीज कहानियाँ लोगों के मुंह से सुनने को मिलती हैं कि उन्होंने यहाँ देखा हनुमान जी को वहाँ देखा पर ये जो भाव है हनुमान को देखने का एक तो बाल हनुमान है हाँ ठीक है जो कि बड़े पसंद आते हाँ। हैं सबको और ये हनुमान जी का एक रौद्र रूप भी है ठीक है गुस्से वाला रूप भी है वो बल बुद्धि विद्या सबके सागर है ठीक है तो एज अ स्टूडेंट अगर मैं एक विद्यार्थी हूँ तो मुझे हनुमान जी की पूजा करने से बुद्धि मिलेगी विद्या मिलेगी मन में ही आता है बिल्कुल पर uh, जैसे ज्योतिष में भी उपाय बताए जाते हैं कि जैसे आपको बड़ी घबराहट होती है डर जाते हो या आपके अंदर वो साहस नहीं है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओ वो साहस अपने आप आ जाएगा फीमेल्स को लेकर एक मिथ है हाँ जी कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा ना करें Uh, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे वो महिलाओं को टच नहीं करते थे तो क्या ये सच है इसमें कुछ रेलिवेंस है देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये बिल्कुल सच नहीं है ये बिल्कुल सच नहीं कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते लेकिन ये भी सच है जो लोग ब्रह्मचार्य अवस्था में है उन्हें जहाँ जहाँ डिस्ट्रैक्शन आए उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए तो क्या है लोगों ने दोनों को इक्वेट कर लिया कि जो लोग ब्रह्मचारी है वो महिलाओं से दूर रहते सिर्फ महिलाओं से नहीं ऐसे कुछ खाने पीने के सेवन से भी दूर रहते हैं कहीं जाने से दूर रहते किन चीज़ों को देखने से दूर रहते हैं तो अगर ब्रह्मचारी ये करते हैं तो हनुमान जी जो ब्रह्मचारी है वो भी नहीं करते लेकिन हनुमान जी का ब्रह्मचार्य और जो ब्रह्माचार्य अवस्था में लोग है उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो ब्रह्मचार्य अवस्था में लोग हैं, वो अपने साधना को बलवान बनाने के लिए ब्रह्मचार्य की ब्रह्मचार्य पथ पे चल रहे हैं हनुमान जी इस पथ के इस पथ के इतने परे कि वो स्वयं ब्रह्मचार्य पथ के रचयता बन सकते हैं तो हनुमान जी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज जो परम ज्ञान है वो उनके पास है इसीलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये महिलाएं ने इट्स नॉट द फीमेल दैट इज द प्रॉब्लम ये मैं एक शरीर हूँ और मैं एक दूसरे शरीर को चाहता हूँ ये शारीरिक आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है वो तो शरीर से बहुत ही पहले आइडेंट मतलब आइडेंटिफाई हो और फनी चीज़ ये है जब वो अपने शरीर से आइडेंट आएदेन्ट, नॉन आइडेंटिफाइड है तो अपने खुद को स्वयं को अपना शरीर नहीं मानते तब उनके शरीर में ऐसी ऐसी सिद्धियां प्रकट होती है जो कि हम सोच भी नहीं सकते कभी भी चाहे अपना साइज बढ़ा सकते कभी भी कम कर सकते कभी भी सूक्ष्म हो सकते कभी भी स्थूल हो सकते इतने हैवी हो सकते कि उनको हटा ना सके तो क्या होता है कि जब हम अपनी मानसिकता अपने आइडेंटिटी से हटा दे तब जो भी दिव्य मानसिकता है या दिव्य क्वालिटीज है वो हमें प्रकट हो जाने हो, होने लग जाती है हनुमान चालीसा की चौपाई है भूत पिछाँच निकट नहीं आवाजी महावीर जब नाम सुना हुए तो ये महावीर का नाम उनको कैसे मिला क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे इस वजह से देखिए रण वीरता के अलग अलग रूप होते हैं एक है रणवीर जो की रणभूमि में इन द बैटल अपनी वीरता दिखा सके तो हमारे इतिहासों में पुराणों में कई सारे रणवीर हैं लेकिन ऐसे भी रणवीर हैं जो मैनी टू वन बैटल्स में जीत सके और उन्होंने ऐसी वीरता दिखाई कि जब सिचुएशन पूरी तरह से होपलेस थी फिर भी उन्होंने अपनी वीरता का साथ नहीं छोड़ा एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अर्जुन युद्ध के पहले डगमगा गए अब लोग कहते वो डर गए वो डरे नहीं वो डगमगाए उन्होंने डर उन्हें डर नहीं लगा कि द्रोणाचार्य मुझे मारेंगे वो भी मुझे उनसे प्रेम है भीष्म पितामा को कैसे मारो ये तो पितृतुल्य है तो वो डगमगा गए उस कारण लेकिन उनका जो बेटा था अभिमन्यु जब वो युद्ध में जब उसने चक्रव्यूह तोड़ा तो उसने जो भी महारथी थे उस समय के उन सारों का विध्वंस किया उसको मारने के लिए अंत में उपाय क्या निकाला पीछे से उसका उसकी जो बो एंड है उसको तोड़ दो पीछे से जो उसने तलवार हाथ में ली उसको तोड़ दो उसके रथ को तोड़ दो उसके घोड़ों को मार दो उसके सारथी को मार दो जो कि सारे युद्ध के रूल्स के खिलाफ है लेकिन ये जो अभिमन्यु था उसने उस समय भी अपनी वीरता अपनी रणवीरता को नहीं छोड़ा उसने कहा सारा कुछ टूट गया मैं रथ के पहिए को उठाऊंगा और वो एक फोटो है उसने उठाया होगा और सारे के सारे कौरव उसके भीतर उसको मारने की कोशिश कर रहे और अंत में फिर जाके उसको पहले अनकॉन्शियस किया और जो वो कॉन्शियस हो रहा था तब उसके सिर पे मार दिया तब उसका तो इसे कहते हैं रणवीरता कि रणभूमि में जितना भी सिचुए जितनी भी सिचुएशन होपलेस हो आप उसमें फिर भी पूरा वीरय दिखा के आप आगे बढ़ सके तो हनुमान जी में ये रणवीरता है और दो और टाइप की वीरता है जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं एक है दयावीर जो कि दया करुणा से काम करता है देखिए दया दिखाने के लिए भी वीरता लगती है यू कैन नॉट बी कंपैशनेट टुवर्ड्स एवरीवन जैसे यू हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स सम पीपल जैसे कि हनुमान गए लंका में और हम सब कहते कि लंका को जला दे लेकिन लोग पूछते अरे लेकिन वहाँ पे भी इनोसेंट लोग थे उनको जलाया नहीं जलाया रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी वो भक्त थी उनका कुछ नहीं हुआ सीता जी को तो कुछ हुआ ही नहीं विभीषण जी को कुछ हुआ नहीं जो भी भक्त थे वो रहे जो नहीं तो वो जो एक तरीके की करुणा है वो हनुमान जी में थी और अब भी है और सबसे लास्ट है दानवीर कि के अब आप में अगर किसी को कोई हाँ मैं तो बहुत ही आ, वीर हूं मैंने ये किया अच्छा वो जरा इस चीज के लिए आप सौ रुपये नहीं नहीं सौ रुपए दो सौ रुपये इसकी चीज आपको सौ दो सौ की जरूरत क्यों है आप तो फ्री में कर लीजिए दान देने में हम संकोच करते हैं तो जो खुल के देता है उसे दानवीर कहते हैं और जिनके पास ये तीन प्रकार की वीरता है उन्हें महावीर कहा जाता है तो महावीर मतलब आप रणवीर भी हैं दानवीर भी हैं और दयावीर, दयावीर हैं। भी तब जाके आप महावीर बनते हैं वेरी इंटरेस्टिंग आपने अभिमन्यु की बात करी अभिमन्यु की जब मैं स्टोरी सुनता हूँ तो एक बड़ा इमोशनल भाव मन में आता है कि आपको पता है इस युद्ध में आप हारोगे आपको पता है कि ये जंग आपके हारने के लिए ही क्रिएट की गई है और कोई चांस नहीं है कि आप ज़िंदा बच के वापस आ जाओ तब भी कुछ लड़ाइयाँ जीवन में ऐसी आती हैं कि हारने के लिए भी लड़ना पड़ता है ताकि उससे ग्रेटर गुड हो सके आगे का भविष्य अच्छा हो सके चक्रव्यूह अगर अभिमन्यु नहीं तोड़ते तो किसी और को या फिर क्या पता क्या उसकी परिकल्पना निकल के रिजल्ट निकल कर आता तो कुछ लड़ाइयाँ हारने के लिए भी लड़नी पड़ जाती हैं जीवन में हम हनुमान जी पे वापस आते हैं पंचमुखी हनुमान का एक स्वरूप है जो बहुत प्रचलित है जिसमें हनुमान जी के पांच मुख हैं जो जब वो अहिरावन से गए थे लड़ने तब उन्होंने दिखाया था इसका क्या रिलेवेंस है आज के टाइम में देखिए पंचमुखी हनुमान जो है वो एक बहुत ही पावरफुल स्वरूप है भगवान का और जैसे आपने कहा वो जब एक होपलेस ऑलमोस्ट सिचुएशन में लड़ रहे थे तब उन्होंने वो रूप लिया था तो इसी तरीके से जब पूरी तरह से कोई निराशा के द्वार पे खड़ा है तब पंचमुखी हनुमान की साधना की जाती है लेकिन पंचमुखी की साधना पंचमुखी हनुमान जी की साधना तंत्र शास्त्र के द्वारा सही एक कोई विद्वान पंडित के साथ करनी चाहिए ऐसे ही अगर अपने रूम में मैं पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा के उनकी पूजा कर सकूं, करना शुरू कर दूं, तो ज़्यादातर ऐसे लोग जो करते हैं उनकी पूजा इतनी स्ट्रांग नहीं रहती वो खुद के लिए कुछ मांग रहे लेकिन अगर आप में थोड़ी भी कैपेबिलिटी हो और भक्ति के भाव में अगर आपने की और वो जागृत हो गए हनुमान जी के स्वरूप तो फिर उस पावर को झेलने की क्षमता आप में होनी चाहिए तो पंचमुखी हनुमान की जो पूजा है इसलिए कम होती है आप इतने रेगुलरली उन्होंने उन्हें नहीं देखोगे या तो लोगों के घर में ध्यान ध्यान अवस्था में हनुमान जी रहते हैं अब उनके मंदिर के ऊपर उनकी फ़ोटो लगा देते हैं इस अवस्था में या तो भगवान की सेवा कर रहे हैं या दाम दरबार के साथ भगवान के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी मिल जाते हैं पंचमुखी जो हनुमान है वो कम घरों में तो कम ही दिखाई देते हैं उसके मंदिर में इतने ज़्यादा नहीं हैं तो उस पूजा के लिए एक सही पंडित की ज़रूरत है आ, आपने फ़ोटो की बात करी तो एक चीज़ आ, बड़ा दुख होता है देखकर कि हनुमान जी को एक ऑरेंज कलर का आता है उसे कार में लटका दिया लोगों ने हाँ वो तैर रहे हैं हनुमान जी गाड़ी हो रही तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है जो आप अपने ईस्ट के साथ कर सकते हो एक और है कि पंचमुखी हनुमान जी की हम टाइल में फ़ोटो लगा देंगे घर के बाहर हाँ। ये भी नहीं करना चाहिए आपका आपके ईश्वर के साथ एक श्रद्धा भाव का कनेक्शन होता है और हम हिंदू इतने इग्नोरेंट हो गए हैं कि हम अपने ही ईश्वर को एक सोपीस की तरह ट्रीट कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से ठीक है और आपके पूजा घर में हनुमान जी रहे हैं और आपके दिल में हनुमान जी रहे हैं। ये काफ़ी है हम हनुमान जी की कथाएं सुन रहे हैं कोई कथा जो आप सुनाना चाहो अपने तरीके से एक कथा जो मेरे मन में बहुत रहती है वो है जब हनुमान जी अर्जुन से मिले देखिए हनुमान जी का रामायण में बहुत ही बड़ा किरदार था और अर्जुन जो है वो महाभारत में आए तो हनुमान जी अर्जुन से कैसे मिले एक बार ऐसे हुआ अर्जुन भारत की यात्रा कर रहे थे धर्म यात्रा तो वो यात्रा करते करते वो रामेश्वर पहुंचे और रामेश्वर पे धनुष कोड़ी जो राम सेतु है वहां तक पहुंचे गए और उन्होंने सोचा कि भगवान श्री राम इतने बड़े धनुर्धर जब थे तो उन्होंने धनुष्य का सेतु क्यों नहीं बनाया उन्होंने वानरों की मदद क्यों ली और ये सब उन्होंने राम लिख कर पत्थर डाल दिया और ये इसकी जरूरत ही नहीं थी तो वहां पे एक छोटा सा ब्रह्मचारी बैठा जो कि हनुमान जी के रूप में था वो वानर ब्रह्मचारी था नॉट ह्यूमन ब्रह्मचारी वानर ब्रह्मचारी तो उसने जाके पूछा कि आप ऐसे क्यों सोच रहे हो बात अध्ययन कर ली तो अर्जुन ने कहा मैं हाँ मैं अगर मैं होता तो मैं फटक से बना देता कुछ प्रॉब्लम नहीं होती तो उन्होंने कहा ठीक है आप बनाइए फिर मैं देखेंगू मैं देखूंगा तो अर्जुन ने ऐसे करके दिव्य मंत्र लेके पूरा बना दिया एक झटके तो वहां पे हनुमान जी ने अपना पैर वो जो बाल अवस्थ बाल नहीं ब्रह्मचारी अवस्था में ऐसे पैर रख दिया सारा का सारा टूट गया फिर अर्जुन ने कहा ठीक है मैं फिर से बना देता हूँ मेरे मुझ में कुछ कमी तो और ध्यान और मंत्र के साथ और एक उन्होंने सेतु बनाया तब हनुमान जी जाके उस पर बस उन्होंने अपनी पूछ मारी और वो पूरा गिर गया अब अर्जुन पूरी की पूरी तरह से साइकोलॉजिकली फिनिश्ड थे तब हनुमान तब उन्होंने कहा कि मैं एक आखिरी बार बनाऊँ बनाऊंगा अपनी सारी शक्ति के साथ अगर ये टूट गया तो मैं खुद का देह त्याग कर दूंगा क्षत्रियो का ऐसा ही होता है ना वो कहते अरे अगर ये नहीं हुआ तो मैं देह त्याग कर दूंगा तो उसने कहा कि मैं देह त्याग कर दूंगा और हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई बना लो और फिर हन, उन्होंने बनाया और हनुमान जी उस पर खड़े हो गए और वो पूरा टूट गया तो फिर उन्होंने अपना देह त्याग करने की सारी तैयारी शुरू कर ली अर्जुन ने तब भगवान को पता चला कि हे ये मेरा जो भक्त है ये ऐसी पागल चीज करने वाला है तो भगवान वहां पे पहुंच गए भगवान खुद एक ब्रह्मचारी के रूप में आ गए ताकि किसी कोई उन्हें पहचान ना सके उन्हें पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे तो अर्जुन ने कहा मैं अपना देह त्याग करने की तैयारी कर रहा हूँ क्यों क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ और वहां पे वैसे भी सारे जो तीर थे वो पड़े हुए थे तो ब्रह्मचारी ने पूछा कि आपने आपकी जो अपने ये वचन दिया था उसका कोई साक्षी था हाँ ये तो था साक्षी लेकिन ये कैसे साक्षी होता है उसने तो आपको हराया तो कोई और न्यूट्रल साक्षी थी न्यूट्रल साक्षी थी, तो नहीं था तो ठीक है उन्होंने तो कहा अब मैं हूँ साक्षी अब अब बनाइए, तो अर्जुन ने कहा ठीक है मैं बना लेता हूँ जाके बनाया फिर से एक सेतु और हनुमान जी जाके उस पर खड़े हो गए अब ये गिर नहीं रहा फिर उसके ऊपर जंप मार रहे हैं फिर भी नहीं गिर फिर हनुमान जी ने वो ब्रह्मचारी रूप त्याग करके अपना पूरा जो रूप लिया उसके ऊपर वो बार बार उस पर जंप मार रहे थे वो टूट ही नहीं रहा था फिर हनुमान जी ने सोचा इसका मतलब कुछ तो है भैया उन्होंने फिर ब्रह्मचारी को जब देखा फिर से तो उन्हें भगवान श्री राम नजर आ गए और जब अर्जुन ने वो ब्रह्मचारी को देखा उन्हें भगवान श्री कृष्ण नजर आए और उसी समय भगवान ने कृष्ण रूप में अर्जुन को कहा कि ऐसी पागल चीज़ें मत करो जो भगवान ने किया है उनकी तुलना अपने साथ मत करो उनके पैरों को छू करके आगे बढ़ो और हनुमान जी को कहा कि तुम इस तरीके से भक्तों की आ, क्या है भक्तों की टेस्ट मत लो क्योंकि उनकी श्रद्धा अगर डगबग आ गई तो बहुत बुरा हो सकता तो हनुमान जी फिर गए अर्जुन के पास से मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ तो कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि आप इसके रथ के ध्वज पे बैठ जाइए जब युद्ध का समय आएगा तो आज भी अगर हम महाभारत में जो गीता का संबोधन के अगर फोटो देखें या महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी रथ चला रहे और अर्जुन बाण मार रहे हैं तो उसके रथ के ऊपर ध्वज है वहाँ पे हनुमान जी बैठे हुए नजर आएंगे आप हनुमान जी ने हम सबको ना भक्ति क्या होती है डिवोशन सच्चा डिवोशन क्या होता है ये सब सिखाया अपनी लीलाओं से और ऐसी लीलाएं करी ऐसा उन्होंने भक्ति दिखाया कि आज भी अगर आप भारत में देखोगे तो राम जी के मंदिर कम है हनुमान जी के मंदिर उनसे भी ज़्यादा है तो भक्त भगवान से भी बड़ा हो गया लोगों के दिलों में ये ऐसा देखने को मिलता है आपने कहा राम जी ने हनुमान जी को वो सेतु नहीं तोड़ने दिया ऐसी एक कथा मिलती है आ, जब राम राज्य स्थापित हो गया उसके बाद दुर्वासा ऋषि आए बहुत सारे ऋषियों का मेला लगा वहाँ पे ऋषि लोग बैठे थे और ये हुआ था कि सभी राम जी अभी सभा करेंगे तो सत्संग होगा यहाँ पर तो नारद जी आते हैं नारद जी दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि आप ना आँखें बंद कर लिए थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए अभी अभी टाइम लगेगा सत्संग शुरू होने में तो दुर्वासा ऋषि आँखें बंद कर लेते हैं और शत्रुघ्न से जाके नारद जी कहते हैं कि एक काम करो जितने संत आए हैं सबका तिलक कर दो ठीक है तब से सत्संग में बैठे रहेंगे तो सबका तिलक करते हैं शत्रुघ्न जी वो दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचते हैं तो दुर्वासा ऋषि का तिलक करने हो जा रहे हैं तो नाराज जी कहते हैं अरे अरे दुर्वासा ऋषि गुस्सा कर देंगे ये अगर इनका ध्यान भंग हो गया इनको छोड़ दो बाकी सब क्या कर दो शत्रुघ्न कहता है ठीक है भाई मुनि जी आप जो कह रहे हो मान लेता हूँ उसके बाद जब दुर्वासा ऋषि जी ध्यान से हटते तो फिर नाराज जी इनके पास आते कहते ओ हो, हो 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 आपको तिलक नहीं लगा <laughs> बाकी सबको तिलक लगा दिया शत्रुघ्न जी ने अब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि ऐसा क्यों किया कहते देखिए राम जी को ना तिलक बड़ा पसंद है और आपको नहीं लगाया शत्रुघ्न ने तो अब थोड़ा सा मैटर गड़बड़ हो सकता है अब दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया कि यार ये कैसे हो गया तो नारद जी कहते हैं कि ये काम करिए इसकी शिकायत आप भगवान राम से करिए पर उससे पहले उनसे सौगन ले लीजिएगा हनुमान जी की कि जिसने ये पाप किया उसको सजा मिलेगी तो दुर्वासा ऋषि जाते हैं श्री राम जी के पास कहते हैं मेरे साथ बड़ा अत्याचार हुआ है ये राम राज की आप बातें करते हैं पर यहाँ पे संत का अपमान हुआ है राम जी कहते हैं ऐसे क्या हो गया मेरे राज में कैसे संत का अपमान हो सकता है और किसने किया अपमान बताइए वो दंड का अधिकारी है तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं पहले हनुमान जी की कसम खाओ कि दंड जरूर दोगे तो राम जी कहते हैं हनुमान की कसम जिसने भी आपका अपमान किया मैं उसको दंड ज़रूर दूंगा तब वो कहते हैं आपके भाई शत्रुघ्न ने किया आप तो है अब तो सौगंध खा ली है अब शत्रुघ्न का कहते हैं निकाल हो रहा था शत्रुघ्न का गेम ओवर होगा ठीक है तो शत्रुघ्न को ढूंढने के लिए जाते हैं अब नारद जी जाते हैं शत्रुघ्न के पास कहते हैं देखो भाई तुम्हारा गेम होने वाला है ठीक है तो तुम भाग जाओ ठीक है और कौन बचाएगा तुम्हें तुम्हें अंजनी माँ बचाएंगी वो उस गुफा में तपस्या कर रही हैं वहाँ पे जाओ वहाँ पे उनसे कहो कि राम जी मारने आ रहे हैं ठीक है तो बचाओ तो अंजनी माता जी तपस्या में थी शत्रुघ्न गुफा में पहुँचते हैं माता से कहते हैं माता आज प्राण संकट में है आज बचाओगी तो आप ही बचाओगी तो अंजनी माता कहती है अरे आप मेरे शरण में आए हैं मैं बिल्कुल बचाऊँगी ठीक है तो कहते हैं कि आप ना हनुमान जी को बुला लो वो तो आपके लाल है ठीक है और उनको राम की सौगंध दे दो कि अगर मुझ पर कोई अटैक करेगा तो वो मुझे बचाएंगे तो अंजनी माता जी हनुमान जी को बुलाती हैं कहती हैं कि देखो ये मेरे शरण में आए हैं शत्रुघ्न और इन पर कुछ नहीं होना चाहिए कहते ठीक है नहीं होगा किससे बचाना है ये तो बताओ माता पहले कहती पहले तुम राम की सौगंध खाओ तब बताएंगे हम तुम्हें कि किसने किससे बचाना है कहते राम की सौगंध आज मैं शत्रुघ्न को बचा के ही रहूंगा ठीक <laughs> है फिर कहते किससे बताना कहते श्री राम से ही बचाना है अब मामला हो गया उधर हनुमान की सौगंध खा ली इधर राम की सौगंध खा ली अब गुफा के बाहर हनुमान जी कहा कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं शत्रुघ्न को इतनी देर में राम जी आते हैं राम जी कहते हैं हनुमान हट जाओ आज शत्रुघ्न का गला काटना है ठीक है आज वो नहीं बचेगा मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है हनुमान जी कहते हैं मैंने आपकी सौगंध खाई है कि शत्रुघ्न को कुछ होने नहीं दूंगा <laughs> तो राम जी कहते तो फिर अब तो आर पार ठीक है तो राम और हनुमान का भी युद्ध हो गया आपस में सौगंध के लिए तो राम जी तीर चलाते हैं और जैसे राम जी तीर चलाते हैं रथ से हनुमान जी राम 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 भजने लगते हैं तो सारे वो तीर नष्ट हो जाते हैं तब तो जाके वो नारद मुनि जी दुर्वासा जी से कहते हैं कि भैया अब ये सब खत्म करो तब तो सब तो 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 कहते हैं कि नारद जी इतना इतना ड्रामेबाजी क्या जरूरत थी <laughs> तो कह रहे थे मुझे माफ़ करिएगा मैंने ऐसा किया पर मुझे कलयुग में लोगों को एक मैसेज देना है कि राम से बड़ा राम का नाम है तो यहाँ से एक मैसेज मिलता है हमको इस कथा से कि हनुमान जी ने राम राम जब के राम जी को हरा दिया ठीक है या राम जी के सामने खड़े हो गए क्योंकि राम से बड़ा उनका नाम है और हनुमान जी को राम नाम बहुत पसंद है तो अगर आपको हनुमान चाहिए तो राम के पास जाइए और राम चाहिए तो हनुमान के पास जाइए राम दुबारे तुम्हारे हमारे हो तो ना आ गया तो हनुमान जी की जब भी बात होती है दिल में बहुत अच्छा लगता है उनका एक स्वरूप ऐसा है ना कि वो भाई भी लगते हैं वो और लगे, तो नाम आप ले सकते है। आपने अर्जुन की कथा सुनाई हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं ये सब हम सुनते हैं और कोई कनेक्शन है उनका शिव जी के साथ देखिए अलग संप्रदायों के अलग मत है जो शैव सांप्रदाय वो कहते रुद्रवतार है जो हरेक नहीं लेकिन ऐसे भी वैष्णव संप्रदाय है जो कहते हैं कि वो वायु के रूप है लेकिन और अभी बात बनी कि वो स्वयं भगवान शिव है तो ऐसे ये जो अलग अलग रूप है वो उनके अलग अलग पहलू दर्शाते हैं ना कि इन तीन मतों में से एक सही है और बाकी दो गलत है बात ऐसे बनी जब आ, समुद्र मंथन हुआ था जिसका जिक्र विष्णु पुराण में है जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र मंथन तो आप आपके व्यूअर्स भी जानते होंगे कि देवों और असुरों ने जो आ, भगवान विष्णु के शरण में आके समुद्र का मंथन शुरू किया था स्वर्ग था लक्ष्मी विहीन हो गया था वो और दुर्वासा इसी वहाँ पे भी एक तो दुर्वासा ऋषि कुछ भी बड़ा होता है वहाँ पे जरूर होते हैं तो स्वर्ग लक्ष्मी विहीन हो गया था तो सभी देवताओं ने कहा कैसे आएगा तो विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन कर लो वहां से आएगा और कई लोग कहते वो क्षीर सागर था कई कहते कुछ और ठीक है जो भी था उस मंथन में सबसे पहले क्या निकला विष निकला हलाहल विष हलाहल विष करने के लिए को ग्रहण करने के लिए भगवान शिव जी आए वहां पे और उन्होंने वो विष पी लिया लेकिन उनके गले तक रुक गया उससे आगे नहीं ले पाया तो सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि शिव जी तो ये पीते हैं वो पीते हैं ऐसे करते हैं स्मोक करते हैं भगवान शिव विष भी पीते हैं आप विष पी एंड इट वॉन्ट अफेक्ट हिम आप पी सकते हो नहीं ना तो फिर आप ये बातें छोड़ तो एनी anyway, तो ये प्रसंग हुआ जहा कि उन्होंने हलाहल विष ग्रहण कर लिया और फिर वो बाकी का जो भी प्रसंग हुआ वो देख नहीं पाए तो कई साल मतलब बहुत ही समय बाद वो एक बार विष्णु जी के पास गए देखिए आपने मोहिनी रूप लिया वो मैंने नहीं देखा तो मैं देखना चाहता ठीक है तो विष्णु जी बोले देखिए ये ये भक्तों के लिए नहीं मतलब आपके लिए नहीं ये वो असुरों के लिए लिया था नहीं 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 मुझे देखना ही ये देखना है देखना ही है, है तो विष्णु जी का देख लीजिए आप नहीं मुझे बस देखना है आप दिखाइए तो उन्होंने मोहिनी रूप ले लिया और जो शिवजी थे जो स्वयं तपस्या के ही प्रतीक हैं जो ब्रह्म सत्य के ज्ञानी है जो ब्रह्म सत्य के दाता है जो आदि योगी है वो इस विश्व मोहिनी के अवॉर्ड से वश बट वो मोहित हो गया और उस समय उनका छोटी मात्रा में जो तेज है वो निकल आया अब लोग कहते हैं ऐसे कैसे हुआ है हम सबका जन्म वैसे ही हुआ है ये जो हमें संकोच होता है इन बारों में इन बातों के बारे में सुन के वो एक तरीके से ब्रिटिश कॉलोनलिज्म के बाद आया है क्योंकि जो हिंदू धर्म है वो जीवन के हर एक पहलू को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है मृत्यु को भी एक्सेप्ट करता है तो जीवन जैसे बनता है वो बातें भी हमारे पुराणों में हुई है क्या हुआ भगवान का तेज निकला उसे आ, वायु भगवान ने पकड़ लिया तो शंकर सुवर्णा वायु पुत्र फिर वो गए अंजनी देवी के पास जो कि शिव जी की शिवजी के भक्त थी और वो तेज उनके कोख में डाल दिया अंजनी पुत्र और केसरी जो थे वो अंजनी माँ के पति थे तो एक तरीके से टू अराइव एट हनुमान किन किन एलिमेंट्स की जरूरत है वो ये स्टोरी दर्शाती है यू नीड ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है जो शिव दर्शाते शक्ति और साधना शक्ति की जरूरत है जो वायु दर्शाते हैं भक्ति की जरूरत है जो अंजनी मां दर्शाती है और लॉयल्टी की जरूरत है जो केसरी दर्शाते हैं फिर बात ऐसे बनी कि ब्रह्म जी सारे देवताओं के पास गए और कहा स्वयं भगवान विष्णु धरती पे प्रकट हुए हैं आपके कारण क्योंकि आपने जाके कंप्लेन किया कि रावण ने सब कुछ ले लिया हमारा कुछ नहीं बचा आप जाके उनकी सहायता नहीं करोगे तो हाँ हाँ हा, करेंगे करेंगे तो पूछा किस रूप में करोगे हम भी नर होके जाएंगे, जाएंगे। शर्म करो भगवान नर रूप में आए हैं तुम थोड़ा तो एक लेवल नीचे आओ तो उन, <laughs> उन्होंने कहा ठीक है हम वानर होके जाएंगे तो जो सारे देह है वो वानर हो के प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से पूछा उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो जाम्बवन में आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे थोड़ा बेटर हूँ तो वो जाम्बवन होके आए तब तो पूछा शिव जी क्या करें अरे शिव जी ने अपनी लीला से ऑलरेडी वो प्रकट हो चुके थे बिफोर एनी वन सो लोग इस बारे में बहुत मतलब अटक जाते हैं कि शिवजी सीनियर है या विष्णु जी सीनियर है कौन क्या है शिव जी विष्णु जी की सेवा के लिए प्रकट हुए थे विष्णु जी जब धरती पे राम बन गए तो उनके इष्ट देवता शिव है रामेश्वरम में जो मंदिर है वो शिव वो भगवान श्री राम ने स्वयं स्थापित किया था वहाँ पे शिवलिंग की पूजा की थी मैं जब स्कूल में था तो आ... मुझे एक संत जी आए थे हमारे स्कूल में उन्होंने बताया था कि जो हनुमान चालीसा लिखी गई है उसमें अगर आप देखोगे तुलसीदास जी ने लिखी है तो बार बार राम जी का नाम आता है अच्छा ठीक है वो इसलिए आता है कि हनुमान चालीसा बेसिकली प्रेज कर रहे हैं हनुमान जी को तुलसीदास पर हनुमान नहीं चाहते कि मेरा कोई तारीफ करे वो सिर्फ चाहते हैं राम जी की तारीफ़ होनी चाहिए तो तुलसीदास जी से मना कर रहे हैं कि मत लिखो मेरी मत करो मेरे बारे में कुछ मत करो सिर्फ राम कथा लिखो रामचरित लिखो और लेकिन तुलसीदास तो तुलसीदास जय हनुमान ज्ञानगुण सागर जय कपीशती हूँ लोक उजागर जैसे ही बोला उन्होंने हनुमान जी गुस्सा आ गया फिर ये देखो मेरी तारीफ वो गदा लेके दौड़े राम दूत अतलित बल धाम अंजनी पुत्र तो फिर राम का नाम आ गया ऐसे करके आप देखो कि हर दो चौपाई के बाद राम का नाम आ रहा है बार 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 तो, तो संत महात्मा जी ने ये कथा मुझे सुनाई थी बड़ी इंटरेस्टिंग है तुलसीदास जी और हनुमान जी का ये कनेक्शन कैसे हुआ ये कैसे स्टेब्लिश हुआ देखिए सबसे तो गहरा कनेक्शन तुलसीदास जी और हनुमान जी का ये है कि वो दोनों भगवान श्री राम के भक्त हैं एक थे त्रेता युग में प्रकट हुए और एक अभी कलयुग में प्रकट हुए और जो हनुमान जी और तुलसीदास जी के मिलन की कहानी है वो बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी एक समय में काशी में रहते थे और रोज अपनी साध गंगा में साधना करने के बाद जो जल रह जाता था वो एक पेड़ के पौधों एक पेड़ के जड़ों में डाल देते थे ये उनका रोज का दिनाचार था एक दिन उनके सामने एक आ, एक आ, पिशाच प्रकट हो गया और उन्होंने कहा आ, उसने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम जो अपनी साधना का पानी इस पेड़ पे डालते हो उससे मेरा कल्याण हो रहा है मैं तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा अब कई कहते कि पिशाच था कभी कई कहते कि यक्ष था कि आप आपस में समझ लीजिए तो उन्होंने कहा कि जो चाहो वो मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुलसीदास जी ने कहा देखिए मैं तो राम भक्त हूँ मैं केवल अपने भगवान की के दर्शन पाना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं दे सकता तुम्हें और ऐसे होता है ना लौकिक दृष्टि से कोई आके कहते है, मैं जो चाहो मांगो मैं दे दूंगा लेकिन जब किसी की स्ट्रेंथ लौकिक है तो आपको आध्यात्मिक चीज नहीं दे सकता तो इसी तरीके से उन्होंने कहा मैं आपको नहीं दे सकता लेकिन जो देने वाला है हनुमान वो आपको दे सकता है तो तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी से मैं कैसे मिलू अरे आप नहीं मिले वो रोज तो आते हैं आपके प्रवचन में तो क्या हाँ आपके प्रवचन में जो सबसे पहले आता है जो एकदम बूढ़ा सा आदमी है जो पीछे बैठता है और जो खत्म होते ही उड़ के भाग जाता है वो हनुमान जी ही तो है तो तुलसीदास तो जी ने कहा ये कैसे सकता है? ये तो मैंने कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि हनुमान जी आ रहे तो उन्होंने कहा ठीक है आज मैं देख लूँगा तो प्रवचन जब उनका ख़त्म हो गया तो उन्हें झट से कीर्तन शुरू कर दिया राम नाम का कीर्तन तो राम नाम के कीर्तन में सारे मग्न हनुमान जी तो मग्न ही हो गए और वो कीर्तन करते करते अपने जगह से उठे और सभा के एकदम पीछे गए और फट से कीर्तन खत्म पूर्णमद पूर्णमी एकदम पूर्णात् पूर्णमद पूर्ण से पूर्णमा अच्छा। पूर्णमाचित थे ऐसे कह के हनुमान जी के पैर पकड़ लिया तो हनुमान जी वहाँ से जा नहीं सके नॉर्मली वो जैसे ख़त्म हो के उठ के चले जाते थे तो वो जो बूढ़े के रूप में थे हनुमान जी कहा आप मेरे पैर कैसे पकड़ सकते हो मैं तो ऐसे हूँ वैसे हूँ आप तो ज्ञानी हो ये वो जगह कुछ नहीं मैं जानता हूँ कि आप हनुमान हो और आप ही मुझे भगवान श्री राम के दर्शन देगा तो कुछ समय बाद उस टाइम पे और लोगों को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है वो तो अपनी दुनिया में थे वो चले गए कुछ देर बाद हनुमान जी ने कहा हाँ मैं हनुमान हूँ और तुम्हारी ऐसी भगवान के प्रति भक्ति है कि मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा उनका क्योंकि पहले तो हनुमान जी कुड नॉट बिलीव के राम जी ने उन्हें दर्शन ही नहीं दिया था तो राम जी के पास गए आपके इतने बड़े भक्त हैं आपने दर्शन कैसे नहीं दिए उन्हें तो राम जी कहते हैं कि देखिए मैं सबको दर्शन नहीं दे सकता वो एक एक भक्त की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो मुझे देख पाए भगवदगीता में भी जब अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि मुझे दर्शन दो अपने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए आपके पास वो क्षमता नहीं है कि आप वो मुझे देख पाए तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा दिव्य आंखें दे दूंगा तो आप मुझे दर्शा दर्शा सके आप मुझे देख सके तो इसी तरीके से भगवान श्री राम ने भी कहा कि इसके सामने तो मैं प्रकट नहीं हो सकता उसका उसकी हानि होगी उसको नहीं वो नहीं झेल पाएगा ये तो हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं मुझे बस आप उसे दर्शन दोगे ही दोगे मुझे और नहीं सुना तो अभी हनुमान भगवान श्री राम अपने भक्त के वचन से बंधे हुए थे तो देखा ठीक है चित्रकूट चले जाओ वहाँ में मैं तुम तो हनुमान जी कहते जाओ जाओ चित्रकूट जाओ फिर वो गए जिस दिन दर्शन देना था उस दिन हनुमान जी आए तो देखो वो आ रहे हैं अपने पूजा में इतने मग्न मत हो जाना कि वो चले जाए तो ठीक है ठीक है ठीक है और वो पूजा में लगे हुए तब हनु भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक दो युवक के रूप में दो बहुत ही सुंदर घोड़ों पे घोड़ों पे सवार वहाँ से जा रहे हैं तो तुलसीदास की के ध्यान में आता है लेकिन कहते अरे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए भगवान श्री राम भगवान श्री राम और अपॉर्चुनिटी हाथ से छूट जाती है तो तब हनुमान जी वहाँ पे आते हैं और कहते हैं अरे ध्यान तो दो भगवान आ रहे हैं और वो भगवान के पास जाते भगवान आपने ऐसे कैसे दर्शन दिया आप घोड़े पे हो झट से जा रहे हो कोई सही से दर्शन दो ना तो भगवान कहते ठीक है मैं आ जाऊँगा फिर से तो दूसरे दिन वो फिर से जाते हैं और इन्हें कहते हैं कि जो भगवान के लिए चंदन कर रहे हो ना वो सही से करो भगवान आएंगे उन्हें चंदन का टीका लगा देना तो उसमें पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं तुलसीदास जी तब एक बालक उनके सामने आता है और कहता है आप क्या कर रहे हो कहते हैं मैं भगवान श्री राम के लिए चंदन बना रहा हूँ तो अच्छा तो भगवान श्री राम जब आएंगे तो, आएंगे तो आप कैसे पहचानोगे तो तब हनुमान जी जो वहाँ पक्षी के रूप में है उन्हें पता चलता है कि तुलसीदास जी को पता नहीं कि भगवान श्री राम आया बाल रूप में तो वहाँ पे वो पक्षी की तरह गाने लगते हैं तब सडनली तुलसीदास जी को पता चल जाता है कि भगवान श्री राम मेरे सामने खड़े और वो इतने वो दर्शन पाके इतने भावुक हो जाते कि वो कुछ कर ही नहीं सकते तब भगवान श्री राम उनके हाथ में जो चंदन है लेके तुलसीदास जी का स्वयं तिलक करते हैं और हनुमान जी जिनकी कृपा से सारा प्रसंग बना वहाँ पे पक्षी रूप में गाते हैं चित्रकूट की घाट पर हुए संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर क्या बात बहुत शानदार ओम जी आपका यूट्यूब चैनल है और उसमें आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है मैंने उसमें ही आपका वीडियो देखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ हनुमान चालीसा और वो सबसे पॉपुलर वीडियो भी है आपका और आप में से अगर किसी ने अभी तक ओम जी का चैनल नहीं देखा तो आपको वहाँ पे वेदों का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में और आपको हनुमान चालीसा जो हम सब बातें कर रहे हैं ना ये ओम जी ने पहले बता रखी है ठीक है वहाँ पर एक वीडियो मैंने आपका देखा है आपके यूट्यूब चैनल पर मैनिफेस्टेशन विद हनुमान हाँ जी इसके बारे में थोड़ा समझाइए मैनिफेस्टेशन देखिए एक अभी नया शब्द है इंग्लिश में आया हुआ जिसका मतलब है कि आप अपनी मनोकामनाएं कैसे पूरी करें और जो प्रोसेस तरीका दिखाया है मैनिफेस्टेशन का वो कहते हैं कि जो आपके विचार है वो आप लिख लो कहीं जो आपके गोल्स है जो आप चाहते हो एक जैसे कि मूड बोर्ड बनाओ जो चित्र है जैसे आप अगर घर चाहते हो तो जिस टाइप का घर चाहते हो उसका फ़ोटो लेके लगा दो वहाँ पे और उन चीज़ों पे अध्ययन करने से आपके जीवन में वो चीज़ प्रकट हो जाएंगी तो प्रकट होने का शब्द है इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन लेकिन ये जो मैनिफेस्टेशन की बात है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से हमें हमारे शास्त्रों में मिल जाती है और हनुमान जी भी मैनिफेस्टेशन के एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है लेकिन हनुमान जी किन के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं उन लोगों के लिए मैनिफेस्ट करते हैं जो कि भगवान श्री राम से जुड़े हैं या भगवान से जुड़े हो भगवत प्रेरणा जिसके मन में है उनके लिए मैनिफेस्टेशन करते क्या मैनिफेस्टेशन करते हैं सब कुछ सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं हनुमान जी के बारे में कहा है हनुमान चालीसा में तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान अब विभीषण लंकेश्वर क्यों बना वो इसलिए नहीं बना कि वो रावण का भाई था इसलिए नहीं बना कि सारे मर गए वो एक रह गया तो वो बन गया वो इसलिए बना क्योंकि उसने सत्य का साथ दिया जब हनुमान जी गए थे लंका तब उन्होंने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सारे लोग सोए थे एक ही घर था जिसके आंगन में तुलसी थी एक ही घर था जहां पे सुबह कोई दिया जला रहा था एक ही घर था जहां पे राम नाम का जप हो रहा था वो घर विभीषण जी का था और तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप उनसे कहा कि केवल भगवान श्री राम का जप करना ही सफिशिएंट नहीं है आपको भगवान श्री राम का काम भी करना होगा आपके लिए उन्हें आपको प्रयास करने पड़ेंगे उनका काम सत्य होने में तब विभीषण इतने प्रेरित हुए कि सभा में उस दिन उन्होंने रावण को कहा देख लो जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो सबके सामने गलत कर रहे हो तुम जानते नहीं हो कि राम जी की क्षमता क्या है अभी सीता जी को वापस कर दो माफी मांग लो ये मैं तुम्हारे हित में कह रहा हूँ तो रावण ने उसकी बात नकार दी उस समय विभीषण ने क्या किया जो था नहीं था सब कुछ छोड़ के उसी क्षण लंका छोड़ के भगवान श्री राम की शरण में गया उसके लिए हनुमान जी ने मैनिफेस्ट किया क्या मैनिफेस्ट किया अब कहे लंकेश्वर सब ठीक है लंका के पति बन लंका पति बन गए जो भी जो पुष्पक विमान था वो उनका हो गया और जो भी धन था वो उनका हो गया लेकिन सबसे बड़ा जो आशीर्वाद दिया विभीषण जी को कि आज तक जब भगवान श्री राम की बात होती है तब विभीषण जी की भी बात होती है इस तरीके का मैनिफेस्टेशन इस भौतिक लौकिक मैनिफेस्टेशन से बहुत आगे है लेकिन लोग चाहते हैं कि भाई वो सब ठीक है मुझे बताओ मैं, मैं मैनिफेस्ट कैसे करूँ देखिए इसका बहुत ही एक सिंपल उपाय है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो भगवान के साथ जोड़ दीजिए कि मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं क्युं? क्यों क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस की है वो मुझे ऑनर करने जैसे भगवान श्री राम ने अपने पेरेंट्स की सेक्रीफाइस को ऑनर किया था कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने क्यों क्योंकि भगवान श्री राम ने जैसी अर्थव्यवस्था निर्माण की उस अर्थव्यवस्था को मैं अपने फैमिली में कायम कर सकूं। तो जब हम अपनी जो भी इच्छाएं है भगवान श्री राम से जोड़ देते हैं या भगवान से जोड़ देते तो हनुमान जी उसके मैनिफेस्टेशन का एक माध्यम बन जाते हैं तो हनुमान चालीसा में कहा गया है यम कुबेर दिगपाल जहांते कभी को भी दिख कही सके कहांते तुम और फिर तुम उपकार सुखी यम कुबेर दिगपाल जहांते यम यमराज कुबेर जो सारे धन के पति है दिगपाल इस पूरे जहां सो so, कुबेर हनुमान जी का के गुण गाते हैं तो जो मृत्यु के परे होना चाहता है वो हनुमान जी की कृपा से वो मैनिफेस्ट कर सकता है कुबेर जो देवों का धन पालते हैं जो धन पाना चाहता है वो हनुमान जी के द्वारा वो मैनिफेस्ट कर सकता है दिग्गपाल जहांते जो दश दिगपाल है चार दिशाएं है वो चार दिशाओं के बीच में और चार दिशाएं है फिर ऊपर के और नीचे कैसे दश दश दिगपाल दस दिशाएं है तो जो भी प्रॉपर्टी चाहना पाना चाहता है वो थ्रू हनुमान की कृपा वो मैनिफेस्ट कर सकता है देखो जानते कभी को इसे अलग 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 नाम दिए नारद सारद सहित नारद जी किसकी प्रशंसा कर रहे हैं हनुमान जी तो आपको अगर भगवान की कंपनी चाहिए तो हनुमान जी के द्वारा कर सकते हैं शारदा माँ शारदा सरस्वती माँ जो वेद की पठन हमेशा करते रहते हैं तो आपको वेद का ज्ञान चाहिए तो हनुमान जी के द्वारा आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो हनुमान जी जब कहते हैं ना राम द्वारे तुम रखवारे तो एक्चुअली वो एक हमारे जीवन में जो भी पॉसिबिलिटी उसके द्वार है उनकी सिर्फ एक ही शर्त है कि जो भी आपकी मनोकामना है ना वो भगवान से जोड़ दो शायद विभीषण के मन में था कि मैं लंका बनूं लेकिन उन्होंने वो जब भावना भगवान श्री राम से जोड़ दी तो उनका सारा काम हो गया तो कभी कभी किसी के मन में आता है कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ये कब होगा और भगवान हमेशा कहते हैं कि बी पेशेंट लेकिन पेशेंस के साथ ना वो हमें अलग अलग सिग्नल्स भेजते हैं और आप तो जानते ही है कि ये जो सिग्नल्स का साइंस है प्रोसेस नहीं साइंस है वो ज्योतिष है और न्यूमरोलॉजी है तो आपने जो मुझे भी भेजा फॉर्चून रिपोर्ट मेरे उसमें देखिए आपकी इच्छा नहीं थी या आपके मन में शायद ये बात नहीं थी लेकिन आपने एक पूरा रिपोर्ट बनाया जिसमें मेरे आ, लाइफ नंबर के हिसाब से आपने कहा कि कौन से कौन से क्वालिटीज़ कब कब मैनिफेस्टो फॉर्चून रिपोर्ट में जैसे जब मैं आपकी बना रहा था फॉर्चून रिपोर्ट तो आपका भी सेवन नंबर है हाँ जी और मैंने जब जब हम हर एक गेस्ट को अपनी फॉर्चून रिपोर्ट देते हैं कि आप पढ़िए इसको और आप न्यूमोलॉजी में माने या ना माने ये मनवा देगी आपको तो सेवन है दैट इज़ वाई आप इस अकल्ट में और रिलीजन में इन सब में आप आते जा रहे हैं इसमें और डीप नॉलेज है क्योंकि नंबर सेवन एक डीप नॉलेज का नंबर है तो मैंने जितने सेवन वालों को देखो मैं खुद भी हूँ एक कहीं ना कहीं रिलीजन स्परिचुअलिटी या अकल्ट से जुड़ ही जाते हैं फॉर्चून रिपोर्ट दो साल की मेहनत से हमने इन हाउस बनाई है मैंने मेरे स्टूडेंट्स ने मिलकर और बड़े दिल से बनाई है इस रिपोर्ट को और इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका नाम से हर एक चीज़ आपके बारे में बताई जाती है जितनी भी निमोलॉजी है अभी तक इस धरती पे वो सब कुछ आपको इसमें मिलती है प्रोडिक्शन भी मिलती है रेमेडीज़ भी मिलती एवरी करियर के बारे में हो सारी चीज़ें आपको फॉर्चून रिपोर्ट में मिलती है सो अच्छा लगा कि आपको वो रिपोर्ट अच्छा लगी अब इस पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं हम लोग और एंड में मैं ये कहूँगा कि हनुमान चालीसा का बहुत बहुत डीप मीनिंग है जो आपने अपने यूट्यूब में समझाया है तो हनुमान चालीसा का अंत होता है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तो वो सिद्ध होगा साखी गौरीसा यानी शिव समान हो जाएगा जिसके अंदर कोई मोह नहीं है वो वैरागी है वो सन्यासी भी है वो रुद्र भी है तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ये एक टूल दिया गया है कि हम कलयुगी प्राणियों को ताकि यह जो सिद्धि प्राप्त करनी है या हमें इनलाइटन होना है तो उसका ये बहुत बड़ा टूल है तो थैंक यू सो मच ओम जी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आने का और हनुमान जी के बारे में हमें इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाने का बहुत बहुत धन्यवाद आपने फिर से मुझे बुलाया हनुमान जी के बारे में तो हम बहुत ही बातें कर सकते हैं जी लेकिन इस माध्यम से और इस आ, इन बातों को इतने लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये हमारा आखिरी पॉडकास्ट नहीं है ठीक है क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग आ गई है कि हम अब तीसरा पॉडकास्ट भी करेंगे और वो गीता पे करेंगे और आप में से जो भी इंटरेस्ट रखते हैं कि मीनिंग ऑफ हनुमान चालीसा या वेदों का मीनिंग या फिर जो हमारा एक हिंदू संस्कृति है तो एक तो हो गई कि स्टोरीज हैं कथाएं हैं लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छा चैनल है ओम धुमातकर जी के नाम से ही ये चैनल है आप जाइए उसे सब्सक्राइब करिए मैं बहुत कम चैनल सब्सक्राइब करता हूँ उनमें से एक ओम जी का है बहुत बहुत धन्यवाद और और जल्द ही हम हिंदी में हनुमान चालीसा के बारे में वीडियोस शुरू करने वाले कुछ देर के लिए इंग्लिश में वीडियोस रहेंगे लेकिन बहुत ही जल्द हिंदी में भी आने वाले वेरी गुड ओम जी के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर फॉर्चुन रिपोर्ट भी आपको चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो थैंक यू सो मच जय श्री राम जय श्री राम